हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्त। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य जी लाइव टच। तो दोस्तों, आज की फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, बहुत यानी कई दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा इस उस वक्त तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। और ज़्यादातर दोस्तों उस बीच भी सभी द्वारा या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, अगर आती तो मैं जहाँ तक कोशिश करके मैं आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो सभी द्वारा कल इन्फॉर्मेशन आई है, यानी कि 16 अक्टूबर 2019 को इन्फॉर्मेशन आई है, आज मैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को विधिवत बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन दोस्तों ने ये मानकर आए हैं कि पैसा मिलना शुरू हो गया, चलिए इसमें वो इन्फॉर्मेशन है, तो दोस्तों मैं आप माफ़ी चाहता हूँ कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। सभी द्वारा की नोटिस आई है, उसको नोटिस पहले हम लोग देखेंगे। ओके दोस्त, तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे चैनल पहली बार है, प्लीज़ हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करके जो लाल रेंड का कलर है इसको दबा करके ऑन कर लीजिएगा, और साथ में आगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी, क्योंकि डेली इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और हर चीज फंड से जुड़ी और हर टेक्निकल वीडियो से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले चलता हूँ सेबी की वेबसाइट पर, जहाँ पर सेबी ने हम लोगों को नोटिस दिया। देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए अक्टूबर 16, 2019। जी हाँ दोस्तों, तो क्योंकि 23 अगस्त से इन्होंने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, और यहाँ पर 23 अगस्त के बाद सीधा 16 अक्टूबर को इन्फॉर्मेशन आया, और 23 अगस्त के आसपास ही हमने आप लोगों को वीडियो देना शायद बंद कर दिया था, क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सेबी ने अगर बीच में कोई भी इन्फॉर्मेशन देते तो मैं आप लोगों को जहाँ तक कोशिश करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आज दे रहा हूँ। इन्होंने मैंने देखा कि कल शाम को ये अपलोड हुआ है, तो मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों चलिए मैं इसके में इन्होंने इस नोटिस में इन्होंने क्या बताया है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर पब्लिक नोटिस इन द मैटर ऑफ पीएसएल के बारे में पब्लिक को उन्होंने जो नोटिस भेजा है, यहाँ देख लीजिए 16 अक्टूबर 2019 पब्लिक नोटिस में, आप लोग यहाँ पर आइएगा, और इसको जिन दोस्तों ने को इंग्लिश में पढ़ना है या फिर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, वे लोग यहाँ पर आ करके इसके बारे में पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्त, इसमें कुछ छिपाने और उस तरह का बात नहीं है कि नहीं मैं कहीं और से बता रहा हूँ, तो चाहे आप लोग चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों को इंग्लिश में पढ़ना है वो लोग या इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ओके दोस्त, अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं या फिर इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते, सीधा आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी कि आज की डेट यानी कि अक्टूबर 17 को ये अपलोड हुआ है, पीएसएल न्यू टुडे पीएसएल लिमिटेड के निवेशकों को नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आएंगे और अपने बारे में देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको विस्तार से बता देता हूँ, इसमें क्या आया है नोटिस जो है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर आया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी दिनांक 2 फरवरी 2016 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुब्रत भट्टाचार्य सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया CA 13301/2015 के मामले में पारित किया गया है, और अन्य जुड़े मामले न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, लोढ़ा कमेटी। पूर्व CJ IPSL LTD की संपत्तियों को बेचने के लिए और मोनियाइजन PSL LTD निवेश करने वाले निवेशकों को वापस करने के लिए बिक्री आय का उपयोग करने के लिए समिति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय
के समग्र पर्यवेक्षण के तहत अपने जनादेश का प्रदर्शन करने के लिए सभी रिक्वेस्ट स्टेप्स लिए हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट जो कि सेबी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो दोस्तों इन्होंने भी बताया है कि सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप लोग इस लिंक से भी जा सकते हैं, इस वेबसाइट पर चेक कर सकते। चलिए ओके दोस्त, तो चलिए आगे देखते हैं इसको। मैं इस अभी नहीं, इसको पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं इस पर देख लूँगा क्या बताया गया है। द कंपनी ने पीएसएल लिमिटेड के निवेशकों से 8 फरवरी 2019 को ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशन प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, यानी आप लोगों को पैसा रिफंड कर लिए। आप लोग जो फार्म भरा गया था वो 8 फरवरी से स्टार्ट हुई थी। निवेशकों द्वारा दावे के लिए दायर किए गए 5000 तक वर्तमान में धन वापसी को प्रभावित कर रहे हैं। वर्तमान धन वापसी प्रक्रिया में दावों के आवेदनकर्ता निवेशकों के पास मूल दस्तावेज और मूल बकाया भुगतान के मूल दस्तावेज के रूप में अपेक्षित दस्तावेज के कब्जे में है, उसी की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करने के अधीन किया जा रहा है। रुपये से अधिक के दावों के साथ अन्य निवेशकों 5000 के रूप में अच्छी तरह से अभिभावक मामले जैसे कि क्लेम एप्लीकेशन फारोग्रोमोमिनेस या लीगल हेयर आर्गे निवेशक के पास कोई रसीद नहीं है या केवल कुछ रसीदों के कब्जे में है या केवल अंतिम रसीद है और या जिनके पास बांड प्रमाण पत्र नहीं है या निवेशक के पास केवल पीएससीएल द्वारा जारी पावती है आदि, ऐसे दावों के संबंध में समिति द्वारा अधिसूचना का इंतजार करने का अनुरोध किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने इस प्रकार के प्रॉब्लम में हैं, तो उन दोस्तों को सेबी ने एक नोटिस दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को इस नोटिस में अब आप लोगों इस नोटिस पढ़ने के आप लोगों पास कुछ राहत होगी, क्योंकि यहाँ पर सेबी ने बता दिया है कि अब आप लोगों को एक सूचना दी जाएगी, उस सूचना का इंतजार करिए कि आप लोगों को जिनके पास रसीद या बांड कुछ भी नहीं है तो वे लोग अपना पैसा कैसे लेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन कैसे क्या किया जाएगा और आवेदन कैसे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस आप लोगों को इतना ही बताना चाहता था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मुझको भी उत्साह मिले, नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को जल्दी से मैं देने वाला हूँ। तो चलिए मैंने एक बार इस लिंक पर क्लिक करके मैं देखता हूँ इसमें क्या बताया गया है। देखिए दोस्त, यहाँ पर भी वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था वही इन्फॉर्मेशन इसमें आ गया है, तो ये आप लोग इसको आकर के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आप लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सेबी की इन्फॉर्मेशन आप लोग डायरेक्ट लिया कीजिए, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग इधर उधर मत भटके, ठीक है ओके दोस्त। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सेबी के द्वारा ही सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ओके दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। सब्सक्राइब करके रखिए मौर्य जी लाइव टच को और साथ में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। थैंक यू दोस्त।